नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से पीएम मोदी के फैसले ने सभी को चौंका दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान भजन लाल शर्मा को सौंपी गई। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मीडिया या एक्सपर्ट ने जितने भी कयास लगाए थे, एक बार फिर से सभी फेल हो गए। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, सीएम चेहरे के तौर पर एक नया नाम इन तीनों राज्यों में सामने आया। वैसे नाम भले ही नया हो, लेकिन इस नाम के पीछे के मायने बहुत ज्यादा गहरे हैं। एक नाम के सहारे बहुत से दांव लगाए गए। आखिर वो कौन से दांव हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने नए नाम पर दांव खेला है। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने चौंकाने वाले फैसले लेने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। मोहन यादव का नाम सीएम रेस में दूर दूर तक नहीं था। जब ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान, परेशान और चौंक गया। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ, जहां पार्टी गहरे मंथन के बाद विष्णुदेव साय को प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना। वैसे साय का नाम सीएम की रेस में था, लेकिन साय भी कई सीनियर नेताओं को दरकिनार करके ये अहम जिम्मेदारी हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में नए नामों पर दांव खेल रही है? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल के लिए तीन राज्यों में अपने कैप्टन की घोषणा कर दी है। तीन चुनाव में जीतने के बाद लोग बड़ी बेसब्री से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नए कैप्टन के नाम का इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार खत्म हो गया। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा देखकर 2024 के चुनाव के लिए नई लकीर खींच दी है। और सबसे खास बात यह है कि नामों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री चुनाव के जरिए बीजेपी ने साल 2024 को लेकर दांव चला। वो दांव आखिर क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा भी, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक मशहूर कहा मुहावरा है, टू डाल डाल मैं पात पात। अगर आप इस मुहावरे का मतलब नहीं समझते हैं तो इस वक्त राजस्थान के सियासत पर नजर दौड़ा लीजिए। एक बार में इस मुहावरे का मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। और राजस्थान में नए सीएम के नाम को लेकर जितने भी कयास लगाए गए थे, वो सभी कयास फेल हो गए। मोदी शाह की जोड़ी ने सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सभी को चौंकाते हुए सीएम पद के लिए भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी। बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताते हुए पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया। और नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही रखा। मेरे सूत्र ये बताते हैं कि बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। इसके बाद एक पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के
हाथ में दी गई और इस पर्ची में राज्य के होने वाले मुख्यमंत्री का नाम था। और वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया। इसके साथ ही दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद वैरवा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राजनाथ सिंह को सुनवाना चाहता हूं, वो सीएम के ऐलान करते हुए किस तरीके से सबको चौंका रहे थे, जिसका इंतजार पिछले काफी दिनों से न सिर्फ राजस्थान को था बल्कि दूसरे राज्यों के नेता भी ये इंतजार कर रहे थे कि आखिर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे ही राजनाथ सिंह ने ऐलान किया, सब कोई हैरान परेशान रहे। एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर भजन लाल कौन है, जरा इसको समझिए। जिन्हें बड़े बड़े चेहरे को दनकरार करने के बाद राजस्थान की कमान सौंपी गई, मैं राष्ट्र के आवास के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि भजन लाल कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, जरा समझिए। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए। भजन लाल शर्मा जयपुर की संगानेर सीट से जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल को टिकट देने के लिए वर्तमान विधायक अशोक का टिकट काटा था। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। भजन लाल शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भजन लाल राजस्थान यूनिवर्सिटी से साल 1993 में पॉलिटिक्स में एमए की डिग्री हासिल की थी। भजन लाल संघ और संगठन दोनों के बेहद करीबी माने जाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस ने भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा पर बाहरी होने का कई बार आरोप लगाया था। कांग्रेस ने सांगानेर की जनता से बाहरी प्रत्याशी को वोट न देने की अपील भी की थी। बावजूद इसके भजन लाल शर्मा ने इस जीत से बड़ी जीत दर्ज की है और आज उनके हाथ में राजस्थान की कमान है। मैं आपको भजन लाल को सुनवाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बने जाने के बाद, चुने जाने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है। ना भजन लाल को यकीन हुआ, ना उनके परिवार वालों को यकीन हुआ। और भजन लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी चौंकाने वाले नाम का ऐलान किया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो बार अपने समर्थक विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर आलाकमान को आंख दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी शाह के दबाव के चलते वसुंधरा राजे को पीछे हटना पड़ा। मैं आपको वो वजह भी बताना चाहता हूं जो मेरे सूत्र बता रहे हैं।
जिसकी वजह से वसुंधरा राजे सीएम की रेस से बाहर हो गई है। जरा समझिए, नई लीडरशिप की तैयारी में पार्टी ने 2018 में वसुंधरा को सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ा। पार्टी चुनाव में 163 सीटों से 72 सीटों पर सिमट गई थी और 2018 में हार के बाद सिनेरियो से गायब रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया। एक सबसे बड़ी वजह यह थी, और इस बार कोई भी फेस नहीं था सिवाय नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार की तस्वीर कुछ वैसी है जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें आदिवासी हैं, ओबीसी समाज है, सामान्य वर्ग के लोग हैं। सबको साधने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 1+2 फॉर्मूले की चर्चा बहुत जोरों शोरों से थी और तीनों राज्यों में ऐसी हुआ। बीजेपी ने दिग्गज आदिवासी नेता, पार्टी के पुराने कद्दावर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनने का ऐलान किया। विजय शर्मा के तौर पर सामान्य और अरुण साव के तौर पर ओबीसी के चेहरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आदिवासी सीएम के साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी, इसको लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल साल 2003 से लेकर 2018 तक सूबे की सत्ता पर काबिज रही। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। पार्टी को कभी डिप्टी सीएम बनने की जरूरत बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और तब में अब में फर्क है। साल 2008-2013 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह ही पार्टी का सीएम फेस हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी का चेहरा आगे करने के बाद चुनाव मैदान में उतरी और बीजेपी ने आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। पार्टी के सामने अपना आदिवासी गढ़ बचाए रखने की चुनौती भी है और लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को लेकर वोटों के जिस समीकरण ने उसे सूबे की सत्ता तक पहुंचाया वो किसी भी तरीके से खतरे में आए, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जातियों को साधने के लिए यह रणनीति बनाई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। विष्णुदेव साय इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और विधायक के तौर पर विष्णुदेव साय का यह तीसरा कार्यकाल है। विष्णुदेव साय 4 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। साल 2014 से 19 के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी ने साल 2020 में साय को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। संघ के बेहद करीबी नेताओं से भी उनकी अच्छी मुलाकात रही है, उनकी गिनती होती है, और इसीलिए आदिवासी समुदाय से आदिवासी सीएम की मांग छत्तीसगढ़ में बहुत सालों से उठती रही है। राज्य के गठन के बाद अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने थे जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई भी आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ की सत्ता के शीर्ष पर काबिज नहीं रहा। अब बीजेपी आदिवासी चेहरा देकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, और यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता और खुद मोहन यादव को इसका अंदाजा था ही नहीं कि मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वो सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव पेश करें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब यह सब हो रहा था तब मोहन यादव आखिरी कतार में बैठे हुए थे। जब सीएम का ऐलान हुआ तो खुद मोहन यादव भी चौंक गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोहन यादव को संघ का बेहद करीबी माना जाता है।
उज्जैन साउथ से 3 बार के विधायक हैं। मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। मोहन यादव 2003 में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन साउथ सीट से चुनाव जीता। साल 2023 में वो लगातार तीसरी बार विधायक बने। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद सूबे की राजनीति में उनका कद बढ़ गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि पार्टी में आलाकमान ही सर्वोच्च है, वो बड़े नाम के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आता। जिस भी नेता को चाहे कमान सौंप सकता है। इससे पहले बीजेपी ने गुजरात महाराष्ट्र में ऐसे ही कर चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही कई नेता अपनी अपनी अहमियत अपने अपने तरीके से जताते रहे थे और खुद शिवराज ये संदेश दे रहे थे कि लाडली बहना योजना ने बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका अदा की है। चुनाव नतीजे आने के बाद वो लगातार महिलाओं से मिल भी रहे थे और प्रदेश के उन इलाकों का दौरा कर रहे थे जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। ये एक तरीके का बड़ा संदेश था। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा कई और बड़े दावेदार भी माने जा रहे थे, लेकिन सभी को दरकिनार करने के बाद पार्टी आलाकमान ने मोहन यादव पर दांव खेला था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब भी कभी मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई बीजेपी एक ही रास्ते पर चलती है, वो है सीक्रेसी और सरप्राइज। इस प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उन चेहरों को लगता है कि वो अपना समीकरण ना बिगाड़ लें, कोई पैरवी या ताकत का प्रदर्शन या फिर दबाव काम नहीं करता है। 2014 से ही मोदी शाह की जोड़ी ने बार बार सबको अपने फैसलों से चुकाया है। अपने किसी फैसले की भनक किसी पार्टी के बड़े नेता या मीडिया को नहीं लगने देते हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने का फैसला हो या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलना हो, गुजरात में सीएम बदलना हो, वहां भी सस्पेंस रहा और इस बार भी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा नतीजे आने के बाद से शुरू हो गई थी, कयास लगाए गए थे। लेकिन 10 दिन बाद तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस पूरी तरीके से खत्म हुआ है। ऐसे सस्पेंस खत्म हुआ कि सब सरप्राइज रह गए कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके अपना ट्रेंड सेट कर लिया है और सबको यह बता दिया है कि बीजेपी में आलाकमान ही सर्वोच्च है। तीनों ही नाम ऐसे हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, जिन नामों की चर्चा दूर दूर तक थी नहीं थी, उनकी सत्ता को कमान देकर सभी को चौंका दिया। और इन राज्यों में जिन नेताओं के नाम की सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे वो सभी खाली हाथ रह गए और बीजेपी ने तीनों राज्यों के सीएम पद के जो नाम फाइनल किए हैं उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की छाप साफ नजर आती है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान करने के साथ साथ 2024 की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश की है। साथ ही बीजेपी की नजर इन राज्यों में जातिगत समीकरण बैठाने की भी है। मैं आपको पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनने के पीछे की रणनीति राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं, जरा समझिए। कांग्रेस लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रही है, ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाकर एक तरफ कांग्रेस को जवाब दिया है और दूसरी तरफ ओबीसी वोट बैंक साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी वोट काफी ज्यादा अहम माना जाता है। ऐसे में मोहन यादव को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले शानदार सियासी पिच तैयार कर ली। अब भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान आखिर क्यों मिली है, इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, जरा समझिए। राजस्थान में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही पार्टी ने प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की और आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में लगभग 90% हिंदू आबादी है। इसमें अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 18% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जो तादाद है, जनसंख्या की तादाद है, वो लगभग 13% के करीब है। ब्राह्मणों की जनसंख्या 7% के करीब भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल को आगे करके ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की एक बड़ी कोशिश की है और बीजेपी ने अपने ठोस वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ब्राह्मण चेहरे को सामने रखा था। तो यह राजनीति की एक नई बिसात भारतीय जनता पार्टी ने बिछाई है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और जिस पर पैनी नजर रखते हैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह। इन दोनों की जोड़ी ने लगातार हिंदुस्तान को राजनीति के हिसाब से नए नए प्रयोग के लिए जाना जाता है और सदियों तक बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को हमेशा याद किया जाएगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।